सारे चक्कों वाला गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ है, वर्कर्स जो है सो काम कर रहे हैं, तो काफी जोरों शोर से पटना मेट्रो का काम चल रहा है। हम लोग भाई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में मेट्रो से घूमते हैं, तो अब हम लोग बिहार में भी मेट्रो का लुत्फ उठाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। मैं प्रतीक एक बार फिर से आपके साथ हूं, एंड जैसा कि मैं अभी खड़ा हूं पटना के बाईपास में, मेरे दोनों साइड से गाड़ियां गुजर रही हैं, देख सकते हैं। एंड आज का जो ब्लॉग होगा वो ब्लॉग होगा मेरा पटना मेट्रो का, जी हाँ, क्योंकि हमारा बिहार दिन प्रतिदिन तरक्की के रास्ते स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। उसी ढंग से ये जो हमारा पटना मेट्रो है, जो पटना मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, वो भी एक स्टेप और आगे चला गया है। और वो एक स्टेप आगे क्या गया है तो मैं इस ब्लॉग में आपको बतलाऊंगा, तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जो से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इस न्यू अपडेट के साथ जो कि है पटना मेट्रो का। मेरे पीछे आप मेट्रो का पिलर दिख रहा है, ये जो पिलर है वो पिलर मेट्रो का है, पटना मेट्रो का, जी हाँ। एंड इसके ऊपर में जो नया अपडेट है इस पिलर के ऊपर का, तो देख सकते हैं इस पिलर के दोनों साइड में आपको स्लैब दिखेगा और इसी दोनों साइड, इन दोनों स्लैब के ऊपर से मेट्रो गुजरेगी। एंड वो मेट्रो का काम बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा, आने वाले 1-1.5-2 सालों में पूरा पटना पूरा मेट्रो से भर जाएगा। एंड जो चीज के हम लोग वेट कर रहे हैं वो जल्द ही जल्द से पूरा हो जाएगा, ये अपना विश है और आप लोग का ख्वाहिश भी होगा कि हम लोग भाई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में मेट्रो से घूमते हैं, तो अब हम लोग बिहार में भी मेट्रो का लुत्फ उठाएंगे। मेट्रो से काफ़ी समस्याएं ट्रैफिक की जो है सो हल हो जाएंगी, क्योंकि पटना भी ट्रैफिक के मामले में काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी रश रहता है। सो ये देख सकते हैं जल्द ये मेट्रो का न्यू अपडेट, ये पिलर का है, पिलर के साथ जो स्लैब बन चुका है उसका है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड ये देखिए वो जो नया अपडेट है मेट्रो का वो है ये, जो सामने आपको ब्रिज के ऊपर जो स्लैब दिख रहा है ये पटना मेट्रो का स्लैब है। इस पर से ही दोनों साइड से एक ये हो जाएगा, आप ये डाउन, और इन दोनों साइड से आपको मेट्रो गुजरेगी ऊपर से, जो कि ये बाईपास का 0 माइल के पास का एरिया है। ये देखिए ये रोड सीधा देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए पूरा का पूरा पिलर जो है सो बनकर तैयार है, बस इसका स्लैब सारा लगना बाकी है। एंड अभी जो नया अपडेट है इस पटना मेट्रो के पिलर्स का वो ये है कि पिलर्स के ऊपर 0 माइल के पास से देखिए पिलर्स के ऊपर स्लैब को बैठाया गया है, जो कि ज़्यादा दूर तक नहीं है, कुछ ही दूरी तक है, लेकिन इसका काम कम से कम शुरुआत तो हो गया इस स्लैब पे, पिलर के ऊपर स्लैब को बिछाने का, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए पूरा पूरा पिलर्स पर स्लैब को बैठा दिया जाएगा और उसके बाद पटना मेट्रो एक स्टेप और ऊपर चला जाएगा इस बिहार की नगरी में, हमारे बिहार की राजधानी पटना में। देखिए ये पिलर पूरा का पूरा, शाम का समय काफी खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए ये है पटना मेट्रो का न्यू अपडेट जो कि हम आपको दिखला रहे हैं। आने वाले समय में यही लेफ्ट, आने वाले समय में यही लेफ्ट और राइट ये दो स्लैब है जिसके ऊपर से एक तरफ से मेट्रो आएगी और दूसरी तरफ से मेट्रो जाएगी। ये देखिए ये बड़ा बड़ा सा, इतने सारे चक्कों वाला गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ है,
एंड यहाँ पर कुछ वर्कर्स जो है सो काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। सनराइज हैवी लिफ्टर्स, ये हैवी लिफ्टर्स का गाड़ी है, हैवी वेट को उठाता है। देखिए इसका चक्का ही देखकर आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कितना भारी वजन उठा सकता है। तो काफी जोरों शोर से पटना मेट्रो का काम चल रहा है। देखिए पिलर्स के ऊपर में इसकी, इस पटना मेट्रो का जो शुरुआत है, मतलब पटना मेट्रो जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो होगा आगे चलकर जो बस स्टैंड, नया वाला बैरिया बस स्टैंड है, वहाँ पर से लेके भूतनाथ तक के फेज को सबसे पहले फर्स्ट फेज में उसको स्टार्ट कर लिया जाएगा। और यही वो स्लैब है जिसके ऊपर से मेट्रो गुजरेंगी एंड हम लोग मेट्रो पर सवार होके पटना का सफ़र तय करेंगे। पटना के लोकल जो भी ट्रैफिक है उससे थोड़ा निजात मिलेगा, प्रदूषण से काफ़ी निजात मिलेगा हम पटना वासियों को एंड हम बिहारियों को, एंड हम लोग भी एक मेट्रो वाले शहर में रहेंगे। सो गाइज यही था आज का छोटा सा अपडेट, छोटा सा ब्लॉग जो कि आई होप कि आपको पसंद आया हो। एंड इसके साथ ही आज के इस पटना मेट्रो के अपडेट के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलेंगे फिर जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।